नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाली लेह राजमार्ग पर अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है। सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इस बारे में बताया है। बीआरओ के मुख्य इंजीनियर ने बताया कि लाहौल स्पीति के लोहतांग में समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर लंबी सुरंग अटल सुरंग आगामी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किए जाने की संभावना है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए हैं। विभाग ने बताया है कि रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकती है। विभाग ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का मॉडल पेपर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा और सशक्तता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसकी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित किए जा रहे सिलेबस का प्रस्ताव जैक को दे दिया गया है। इसी आधार को मानते हुए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। बता दें कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मॉडल प्रश्न पत्र जारी होने के बाद उन्हीं प्रश्नों से हर 15 दिन में एक दिन छात्र छात्राओं को टेस्ट लिया जाएगा। मॉडल पेपर की प्रश्नों को घर से ही हल कर छात्र छात्राओं को स्कूल में जमा करना होगा। झारखंड में 1492 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रांची से 468, पूर्वी सिंहभूम 129, पश्चिमी सिंहभूम 128, कोडरमा 144, देवघर 72, गोड्डा 63, पलामू 60, गुमला 57, बोकारो 56, सरायकेला 50, रामगढ़ 43, लोहरदगा 39, धनबाद 37, गढ़वा 31, दुमका 24, लातेहार से 7 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 71,352 है, जबकि 56,944 लोग स्वस्थ हुए और 614 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 54,85,612 है, जबकि 43,92,650 लोग स्वस्थ हुए और 87,909 की मृत्यु हो गई। भारत में नए केस 87,392 मिले हैं, जबकि 92,926 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। झारखंड में रविवार को 2 की मौत हुई है, जो दोनों पूर्वी सिंहभूम जिला से हैं। रविवार को 1235 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केस इस प्रकार हैं: रांची 3474, पूर्वी सिंहभूम 2563, कोडरमा 915, धनबाद 891, सरायकेला 668, हजारीबाग 612, पश्चिमी सिंहभूम 490, रामगढ़ 488, गुमला 421, बोकारो 346, सिमडेगा 326, चतरा 303, खूंटी 289, गिरिडीह 271, देवघर 259, लातेहार 223, लोहरदगा 219, दुमका 213, पलामू 205, गोड्डा 184, गढ़वा 138, जामतरा 117, साहिबगंज 108, पाकुड़ 68 मरीज फिलहाल राज्य में एक्टिव हैं। मैट्रिक इंटर टॉपरों को 23 को देंगे कार। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो 23 सितंबर को विनोद बिहारी महतो की जयंती के अवसर पर मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के दोनों टॉपरों को विधानसभा परिसर में अल्टो कार प्रदान करेंगे। उन्होंने परिणाम जारी होने के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। उन्होंने अल्टो कार की खरीदारी भी कर ली है, जिसके साथ उन्होंने अपनी तस्वीर ट्विटर पर साझा की। राशन कार्ड के लिए 30 तक करें आवेदन। राज्य में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि इसके तहत रांची जिला से सिर्फ 132,514 लाभुकों को लाभ मिलेगा। इसके लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए www.ahar.jharkhand.gov.in पर दिया जा सकता है। 8वीं के बच्चे बिना परीक्षा 9वीं में प्रमोट। राज्य में इस वर्ष कक्षा 8वीं के विशेष परीक्षा संक्रमण के दौरान स्कूल बंद रहने सहित अन्य परिस्थितियों के कारण होने की संभावना नहीं है। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन देने वालों की संख्या लगभग 42,000 है। बता दें कि इन सभी को आगामी कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जल्द ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्यपाल से बाल कल्याण के अध्यक्ष मिली। राजधानी रांची के पुलिस लाइन के समीप पुलिस गेस्ट हाउस में 12 अगस्त 2020 को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर बाल कल्याण समिति गंभीर हो गई है। बता दें कि रविवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपा कुमारी ने मुलाकात की। इस दौरान रूपा कुमारी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले की विस्तार से जानकारी दी है। राज्यपाल ने इसे शर्मनाक एवं निंदनीय घटना बताते हुए रांची SSP से बात करने की बात कही है।
सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं। झारखंड के आदिवासी ने वर्ष 2020-21 की जनगणना को रोकने की धमकी दी है। सरना धर्म को मानने वाले आदिवासियों ने रविवार को राज्य के सभी जिला में मानव श्रृंखला बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। बता दें कि अपनी मांग के समर्थन में सभी जिलों की सड़कों पर सरना ट्रेड कोड के साथ हाथ में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। झारखंड में टीकाकरण की तैयारी शुरू। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत सभी राज्यों को टीकाकरण के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोविड के टीके को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र ने राज्यों को कोविड टीका के लिए पर्याप्त स्थान बनाने के साथ कोल्ड चेन की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोल्ड चेन से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू करने को कहा है। पुलिसिंग से जुड़े 15 कार्यक्रमों पर सुझाव दे सकेंगे आम जनता। राज्य में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 15 कार्यक्रमों के संबंध में आम लोग सीधे सरकार को सुझाव दे पाएंगे। झारखंड यूनिफाइड 100 डायल शक्ति ऐप के काम करने के तौर तरीके पर सीधी जानकारी व सुझाव अब सरकार तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड myGovernment.in पोर्टल में गृह विभाग के 15 जनउपयोगी कार्यक्रमों को सम्मिलित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाभी को गिफ्ट में साड़ी देने का अफवाह। झारखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल एक अफवाह बहुत तेजी से फैली है। महिलाओं का कहना है कि अगर अपनी भाभी को भौजी साड़ी गिफ्ट में दे और साथ में पूजा करे तो आने वाला हर संकट टल जाता है। इस अफवाह के बाद गांव में साड़ी खरीदने वालों की भीड़ उमड़ गई है। बता दें कि ननद अपनी भौजाई को भौजी साड़ी पहुँचाने में जुटी है। 3,000 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के मिडिल स्कूलों में करीब 3,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। आधे पदों पर जहां सीधी नियुक्ति की जाएगी वहीं आधे पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे। बता दें कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिलों से कार्यरत प्रधानाध्यापकों उनके खाली पद और प्रोन्नति पाने वाले शिक्षकों की लिस्ट जिलों से मांगी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए गढ़वा जिला को मिला देश में 7वां स्थान। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए झारखंड के गढ़वा जिला को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि जिले को इस मामले में 59.9 स्कोर मिला है। जुलाई 2020 के जरिए जारी इस रैंकिंग में पहला स्थान मेघालय के रिभोई एवं असम के हैलाकांडी जिले को मिला है। सहायक पुलिसकर्मियों की वार्ता विफल। स्थायीकरण की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधिमंडल पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बुलावे पर रविवार को उनके आवास पर जाकर मिला। करीब 4 घंटा से अधिक उनकी बातचीत हुई लेकिन पुलिसकर्मियों की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में सभी 12 जिलों के एक एक सहायक पुलिसकर्मी सम्मिलित थे। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि शनिवार को मंत्री उनसे मिलने मोराबादी मैदान आए थे। बाबा मंदिर में फर्जी ई पास के जरिए मंदिर आए युवक को पुलिस ने पकड़ा। बाबा मंदिर थाना की पुलिस ने एक युवक को रविवार को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक राजन कुमार जो बिहार के समस्तीपुर जिला का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार युवक अपने जीजा व अन्य साथियों के साथ बाबा बैद्यनाथ में पूजा अर्चना करने आए थे। तभी अज्ञात व्यक्ति उसे मिला और उसे फर्जी पास थमाकर उसे पूजा करने के लिए कहा। बता दें कि पुलिस ने उसे पकड़कर थाना लाया। बाद में उसे समझा बुझाकर छोड़ दिया गया है। BIT समेत पॉलिटेक्निक संस्थानों में रिक्त पदों को भरने का निर्देश मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने BIT सिंदरी सहित सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 31 मार्च तक की रिक्तियों का आकलन कर रोस्टर क्लियरेंस के लिए त्वरित कार्रवाई करने के मामले में पूर्व में विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन समर्पित करने एवं उम्र सीमा में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव एवं तत्संबंधित संशोधित अधियाचना पत्र प्रारूप को JPSC को भेजे जाने की सहमति दे दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रांड बन सकते हैं झारखंड के तसर उत्पाद। राज्यसभा सदस्य महेश पोदार ने कहा है कि झारखंड सरकार यदि केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर एक जिला एक उत्पाद योजना में दिलचस्पी दिखाई तो जल्द ही झारखंड के तसर ला अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक होगी। पोदार ने अतरांकित प्रश्न के माध्यम से राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया जिसके जवाब में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
नई शिक्षा नीति लोगों की इच्छा के मुताबिक बनी है। राज्यपाल विवेकानंद विद्या मंदिर में रविवार को झारखंड ऑन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 का आयोजन किया गया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति हर स्तर पर लोगों के सुझाव के बाद एक नए एवं समसामयिक स्वरूप में हम सबके बीच आई है। इसे जनमानस के अनुकूल व उनकी इच्छा के अनुरूप तैयार किया गया है। रिम्स अधीक्षक को हार्ट अटैक। कोरोना से संक्रमित रिम्स अधीक्षक को शनिवार सुबह हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग लाया गया। इसके बाद तुरंत उनकी एंजियोग्राफी की गई। इसमें एक आर्टरी पूरी तरह बंद पाए जाने के बाद तत्काल एंजियोप्लास्टी भी की गई। हालांकि उन्हें दो टेस्ट लाया गया। चूंकि वह कोरोना से संक्रमित हैं इसलिए पूरी तरह आइसोलेट करते हुए आईसीयू में रखा गया है। पलामू में दिन दहाड़े जेवर दुकान में लूट। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के बीच बाजार स्थित जेवर दुकान में शनिवार को दिन दहाड़े लाखों की लूट हो गई है। बता दें कि नकाबपोश 5 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना शहर थाना से करीब 300 मीटर दूर पंचमुहान चौक के निकट जैन मंदिर रोड में सहायक मार्केट स्थित मुरारी ज्वेलर की है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।